वो जिस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे ES Pro Plus का देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कंपैटिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैंने बताया लैपटॉप पे भी कंपैटिबल है, ये आपका एंड्रॉइड पे भी है, iOS पे भी है, डेस्कटॉप पे भी है, एंड आपके कंसोल्स के साथ भी ये कंपैटिबल जो है वो होने वाला है। कुछ और फीचर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 13.5mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 2.0 स्टीरियो चैनल्स का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है, केबल लेंथ की अगर बात करूँ तो 1.5 मीटर की केबल लेंथ मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पे 3.5mm जैक मिल जाता है, प्लस साथ में आपको स्प्लिटर केबल में मिल जाती है अगर आप इसको पीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो। कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनबॉक्स हो जाता है एंड आप देखेंगे कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। ओके सो ये हमारा आ गया माइक, ये हो गई हमारा यहाँ पे स्प्लिटर केबल, और हमें यहाँ पे ये लूप जो है वो भी मिल जाते हैं, साथ में हमें यहाँ पे केस भी मिल जाता है। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान यह जो है वो मैडकैट्स ने यहाँ पे दिया है, तो ये है कि आपको अब इसको बार बार इस बॉक्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, आपके पास अलग से एक पाउच दे रखा है जिसमें आप इसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे एंड यू गुड टू गो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं।